आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ साइकिल के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पे ऑनलाइन परचेज करी है फ्लिपकार्ट से। तो गाइस जो भी यहाँ पे ऑनलाइन साइकिल परचेज करने के बारे में सोच रहा है, तो उसके लिए वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो चलते हैं, देखते हैं साइकिल कैसी है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रैप को जो है कट कर लिया। रैप को कट करने के बाद जो हमें कुछ ऐसी लुक यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे साइकिल लग रही है। और गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उसकी फ्रेम की, जो कि हमें फ्रेम यहाँ पे मिलता है 18.5 इंच का हमें फ्रेम यहाँ पे देखने को मिलता है। और गाइस अगर मैं यहाँ पे फ्रेम की कलर की बात करूँ, तो इसमें आपको देख सकते हैं ग्रे ऑरेंज कलर के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं आपको यहाँ पे साइकिल का नाम भी देखने को मिलता है, क्रेडिट स्क्वाड आपको नाम देखने को मिलता है। और गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टायर साइज़ की, इसमें 29 इंच के आपको टायर देखने को मिलते हैं, जो कि हिमालयन ट्रेल के देखने को मिलते हैं। और रैनसन केस के अंदर टायर आपको देखने को मिलते हैं। और गाइस इसमें जो है आपको साइकिल में डबल डिस्क देखने को मिलती है, जो कि आपकी ब्रेक को काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करने वाली है। यहाँ पे बात कर लेते हैं सीट कम्फर्ट की, जो कि आपको काफ़ी अच्छी सीट हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्रेडिट यहाँ पे लिखा हुआ है। और गाइस सीट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग, कि अगर आपकी हाइट यहाँ पे कम है तो आप इसको, अगर गाइस आपकी हाइट कम है तो आप इसको नीचे भी कर सकते हैं और ऐसे करके ऊपर भी कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ही यहाँ पे हाइट की बढ़ जाएगी। गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गियर की, गाइस इसमें आपको यहाँ पे 21 गियर देखने को मिलते हैं, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छे यहाँ पे लगे हैं। और गियर की जो परफॉर्मेंस है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छी यहाँ पे लगी है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे शिमानो गियर आपको देखने को मिलते हैं, और कुछ गियर आपको इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हाई और लो। तो गाइस आप देख सकते हैं ताकि ब्रेक आपको यहाँ पे कुछ ऐसे प्रेस करने का इस। और गाइस इसमें आपको शॉकर भी देखने को मिलते हैं, जो कि आपके छोटे मोटे गड्ढे को पता भी नहीं लगने देगा, क्योंकि इसके जो शॉकर है मैंने टेस्ट किया है काफ़ी अच्छे मेरे को यहाँ पे लगे हैं, और मेरे को गड्ढे बिल्कुल फील यहाँ पे नहीं हुए हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको गियर जो है यहाँ पे डाल कर भी दिखा देता हूँ, जो कि गियर यहाँ पे कैसे शिफ्ट होते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, तो गाइस आपने देख ही लिया होगा गियर यहाँ पे कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, और जो कि काफ़ी सही है इसकी परफॉर्मेंस गियर की शिफ्ट होने की। तो गाइस आपने यहाँ पे देख लिया होगा गियर कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो कि गाइस 21 जो गियर इसमें आपको मिलते हैं काफ़ी असम यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और गियर का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है, जो कि बिना लैग किए भी एकदम साफ के साफ यहाँ पे गियर जो है यहाँ पे डल रहे हैं। तो गाइस आपको मैंने यहाँ पे साइकिल जो है यहाँ पे दिखा दिया, साइकिल जो है काफ़ी अच्छी है। तो गाइस बाकी गाइस अगर आपको ये चाहिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है यहाँ पे दे दूंगा। बाकी गाइस अगर आपको मेरी यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। बाकी गाइस जब आप ये खुद से परचेज कर लें तो खुद से अनबॉक्स ना करें, क्योंकि गाइस अगर खुद से अनबॉक्स करोगे तो यहाँ पे आपको वारंटी की यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिल सकती है। बाकी गाइस जब आप उसको परचेज कर ले तो खुद से इसका इस्तेमाल आता है, वो इसको इस्तेमाल करता है। और गाइस आई होप आपको ये वीडियो यहाँ पे अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बाकी गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय एंड टेक केयर।